श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञापादांश्च भाषते गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः अशोच्यान् अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो अर्जुन ने शिष्य की तरह भगवान श्री कृष्ण की शरण ली थी और अब श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभानी शुरू कर दी। गुरु का काम है कि वो शिष्यों में कमी निकाले। ये शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के मुंह से अपनी कमी के बारे में सुने। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व की छानबीन करता है। वो देखता है कि मेरे शिष्य में कहां कोई कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास गुरु करता है। कमी निकालने के साथ साथ गुरु शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की कथा से भी मजबूत करता जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन में एक कमी निकालते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक जितनी सारी बातें कही, इतने सारे तुमने तर्क वितर्क दिए, इतनी सारी बड़ी बड़ी पांडित्यपूर्ण बात कही, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी तुम शोक कर रहे हो। हाँ, और वो भी उनके लिए जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो जीवित के लिए और मृत के लिए दोनों के लिए शोक नहीं करते। क्योंकि जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो ये जानते हैं कि जिनके लिए हम शोक कर रहे हैं वो शरीर है और आत्मा शरीर से अलग है। दोनों आत्मा और शरीर, इसका डिफरेंस, इसका अंतर जानते हैं। विद्वान लोग आत्मा और शरीर के बीच का अंतर जानते हैं। विद्वान जानते हैं कि शरीर पदार्थ है और आत्मा शरीर को धारण करता है। आत्मा की वजह से शरीर बढ़ता है। आत्मा की वजह से शरीर अनेक अनेक शरीर उत्पन्न करता है। आत्मा स्वयं शरीर उत्पन्न नहीं करते। तो विद्वान को ये सारी बातें पता होती है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें यही नहीं पता कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, और आत्मा और शरीर इन दोनों का एक नियंत्रक होता है जिसकी वजह से आत्मा का वजूद होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है, और जिसने आत्मा को विभिन्न शरीर दिए होते हैं अपनी इंद्र तृप्ति को पूर्ण करने के लिए। तो ये जो बात है ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम बेशक बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शोक किसके लिए करना चाहिए, ना जीवित के लिए करना चाहिए ना मरने वालों के लिए करना चाहिए। क्योंकि जो सामने लोग खड़े हुए हैं, जितने भी लोग सामने खड़े हुए हैं, अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनका नश्वर शरीर ही समाप्त होगा, वो स्वयं समाप्त नहीं होंगे। अगर आप एक पांडित्य भरी बात कर रहे हैं, अगर आप विद्वान हैं, तो आपको ये छोटी सी बात तो पता होनी चाहिए कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। नष्ट जो होता है वो एक आवरण है, वो एक शरीर है जो वस्त्र के समान है। आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो शरीर है वो वस्त्र के समान है। तो शोक जो है वो किसी के लिए नहीं करना चाहिए, और उनके लिए तो कदापि नहीं जो शोक के योग्य नहीं हो, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, वो धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं।